हे फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सोनी व्लॉग्स नेपाल में। फैमिली, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग में बने रहें। जो नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फैमिली, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे पापा की डेथ हो चुका है। तो आज पापा की डेथ हुए हुए 7 दिन हो चुका है। तो आज 7 दिन है। तो आज 7 दिन के दिन भी हम लोग के यहाँ पे भोज होता है, सभी इस समाज को खिलाया जाता है। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं इधर नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, यहाँ पे मिस्त्री लोग हैं बनाने के लिए, तो मैं इसी तरह हेल्प कर रही हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है घुघनी और रोटी। तो अभी सुबह का टाइम है और मम्मी भी भाभी सब जा रही है नदी नहाने। तो आज 7 दिन के दिन नदी में नहाया जाता है। तो इधर सब भैया लोग भी, ये जो जोड़ा लिए हुए हैं मेरे मामा है, तो सब साथ में जाएंगे नहाने। इधर मेरी दीदी रोटी बेल रही है और इधर देखिए सब बच्चे लोग भी गाड़ी में बैठ गए हैं। तभी नदी से नहा कर आए ये लोग, तब तक इधर नाश्ता रेडी हो रहा है। और ये जो कार्ड देख रहे हैं, ये पापा का कार्ड है। तो सभी को निमंत्रण देने के लिए कार्ड छपा हुआ है। तो इधर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता बन चुका है। तो नाश्ता में दही रोटी और हरी मटर की सब्जी है। ये मेरे भैया है, सबसे बड़े भैया है मेरे। तो सभी मिलकर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। 3 hours later. सुबह का नाश्ता खाकर अब दोपहर हो चुका है। तो दोपहर का यहाँ पे कथा हो रहा है। तो ये गरुड़ पुराण हो रहा है, तो पापा के, तो ये फोटो मेरे पापा के और यहाँ पे गरुड़ पुराण हो रहा है, इसीलिए सभी बैठ के कथा सुन रहे हैं। वैसे मैंने आरती करा दियो, तब बिहान होती और तब बिहान हो जाती बेसी। वैसे मैंने आरती करा दियो। हाँ, आरती कहाँ है? आबू छ न जा ले आप जा छ सिमरी में जा की नाम की हो सती रवि हरे पत्नी सच्चा नाम नाम करा करती ने बोले है जो अब आप पुण्य आत्मा को के शरीर के ना संस्कार का विधान बतलाइए। और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच तृणोपाक्ष्य गच्छामि सर्वे बौद्ध देहि स्वाहा एक दृष्ट्वा पुत्रपौत्राश्च मूर्छितेन्द्रिये पैतृका गृणातः किं ता दैवहो विधानये पितरैरन्त्येष्टिमाचरेयः ते मार्गनिष्ठो न सदृश्या पुत्रकं वाप्नुयात्। श्री भगवान ने कहा, हे दाक्ष, जिन अभद्रों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो अभी शाम हो चुका है, तो शाम के भोज की तैयारी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे सभी मिस्त्री लोग खाना बना रहे हैं, कोई प्याज काट रहा है। तो शाम का भोज के तैयारी हो रहा है। यहाँ पर आलू चीन के रखा हुआ है, इधर गोभी भी कट चुका है। तो आज भोज भी बन रहा है आलू गोभी की दम और कटहल भी कोफ्ता और चावल दाल मरचा फ्राई दही पापड़ तिलौरी। तो यही सब आज का खाना है।
आप लोग बैठे रहे। यहाँ पे चावल अभी रेडी हो रहा है और ये कढ़ाई में तिलौरी पापड़ अच्छा नहीं है, इसीलिए कढ़ाई उठाया, तेल डालेंगे इसमें। और उधर मेरे भाई दीदी मम्मी सब बैठे हुए हैं, तो शाम हो चुका है। मेरे भैया भी बैठे हुए हैं, ये मेरी दीदी है, बाहर भी तो सभी साथ बैठे हुए हैं। और इधर भोज का भी तैयारी हो रहा है, तो गरुड़ पूरा दिन खत्म हो चुका है, अब सभी आएंगे भोज खाने। ये दही देख सकते हैं, भोज के लिए दही, तो कितना सुंदर दही है। और यहाँ पे भोज स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सबसे पहले गाय को खाना देती हूँ, यहाँ पर गाय खा ले रहे हैं। और इधर भोज भी स्टार्ट हो चुका है, तो सब खाना खाने आ चुके हैं, तो आप लोग देखते रहिए। बाटी